नमस्कार दोस्तों, हम लोग करेंगे इसमें इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए, पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि इस रूट को कैसे आजाद किया जाए, मीन्स ये जो अंदर लिखा हुआ है इसे रूट से कैसे आजाद किया जाए। तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसको यहां पर रखने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, जिसे यहां पे रखा जाए अगर तो क्या हो, ये कॉमन आ जाए पूरी तरह से। देखो ए, अगर हम एक्स की जगह पे ए टेन थीटा लेट कर लें तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर पूरे से कॉमन हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, मतलब कि आसानी के साथ किया जा सकता है। चलिए हम यहां पर लेट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डीएक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टेन के, कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे आता है डी थीटा बाई डीएक्स, डीएक्स हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का वन होता है ना, यानी कि डीएक्स की जगह पे कितना रखा जा सकता है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलेगा इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन देखो ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लें तो रूट के बाहर ए निकल के आएगा ए, और यहां पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा निकल के आएगा, ए को कर लें बाहर, ए को करेंगे बाहर, ए रूट में आ जाएगा, इसके अंदर रूट निकल चुका बाहर। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा रखा, सेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकल के आया तो सिर्फ सेक आया है ना, तो कितना बन जाएगा ये सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलेगा सिर्फ देखो ये एक ए ये है, एक ए ये है, दोनों ए का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर ए स्क्वायर आएगा, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको आप अलग ले लें है ना, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, बढ़िया है, क्रिटिकल है थोड़ा सा लेकिन आसान है। आई इज इक्वल टू आप लेट कर लीजिए, कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा ये सेक थीटा इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये आई के इक्वल हमने इसे लेट किया है, आई के इक्वल हमने इसे लेट किया है इंटीग्रेशन, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना है, फर्स्ट को चुपचाप रहने दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड में कौन सा है सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा टेन थीटा, माइनस होता है फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अवकलन सॉरी समाकलन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा साहब, ये टेन थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा काम करेंगे, बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक थीटा और ये है टेन थीटा माइनस का इंटीग्रेशन, अगर हम इसे लिख लें तो इसे लिखा जा सकता है सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा अब कितना सेक थीटा। कई बार अगर इंटीग्रेशन आ जाए सेक क्यूब थीटा का, ध्यान रखिएगा पांच नंबर में आएगा जब भी आएगा, सेक क्यूब थीटा को तोड़ लेंगे सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का इंटीग्रेशन। देखो हम तोड़ रहे इसे, सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करो, सेक थीटा इंटू आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा हो जाएगा, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साहब सेक थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला सेम बन गया है, सेम बन गया है, ये किसके बराबर हमने लेट किया है, ये आई है ना, ये आई है तो यहां पे आई रखा जा सकता है,
यानी कि ये आ चुका है कितना, आई इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा आई इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस का आई प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये आ गया आई और आई मिला के कितने हो गए, टू आई हो गया, टू आई, ठीक है, ये सेक थीटा है, सेक थीटा ही हमने टेन थीटा माना है ना, तो इसको चेंज कर दीजिए, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन थीटा है, ये आई उधर चली गई है, टू आई बन गया है, प्लस लॉग इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, सेक टेन थीटा को पहले लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम फिर से लिख रहे हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, अरे ये वाले सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, दौड़ना हो तो सी जग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा और समझिएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, टेन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ऊपर से देखिए यहाँ पे ये टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर देखो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बट्टे ए, एक्स बट्टे ए तो रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट का, रूट हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स बट्टे ए का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस लॉग हो जाएगा, लॉग हो गया टेन की जगह पे क्या रखेंगे भाई, अरे एक्स बाई टू नहीं एक्स बाई ए, टेन की जगह टेन थीटा की जगह क्या रखना है, एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस का सी, कोई बात नहीं घबराना नहीं है, आसानी से काम लेना, बहुत आसानी तरीके आसान तरीके से हो जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टू आई, ठीक है टू आई, पहले आई निकालना है फिर उठा के वहां पटकना है, टू आई इज इक्वल टू एक्स बाई ए को आप बाहर करेंगे, एक्स बाई ए बाहर आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ए भी नीचे से भी निकल आएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा और रूट के अंदर बचने वाला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा लॉग कितना, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर रख लीजिए और माइनस का लॉग ए आएगा, माइनस का कितना आएगा लॉग ए, तो लॉग ए इसको हम बड़ा सा सी मान लेंगे, बड़ा सी मान लिया हमने, ठीक है अच्छा, अब देखिए अगर हम यहां से आई बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो ए स्क्वायर या एक्स बट्टे लिख दीजिए इसको, एक्स बट्टे दो ए स्क्वायर रूट, रूट कितना, एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन लॉग, भैया ये दो का डिवाइड भी होगा यहाँ पे, तो ये दो का हो गया डिवाइड, टू लॉग में आ गया एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना अच्छा, अब देखो यहाँ ये वैल्यू रखना है आई, यहाँ पे ये आई के बराबर इतना माना है हमने, मतलब कि अगर इसमें ए स्क्वायर और बना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मान निकल जाएगा, है ना, ये ए स्क्वायर गुणा में है ना आई के साथ, अरे ये अगर लिखा होता इसको हमने आई माना है तो बराबर में क्या है ये ए स्क्वायर आई ही तो है, तो आई में गुणा कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, हमें सिर्फ ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करना है, है ना, वो कितना दिया है ए स्क्वायर आई, ये आई है ए स्क्वायर आई, ठीक है ए स्क्वायर आई, आई का वैल्यू रखो तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी करते जाइएगा, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स बाई टू आएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस मार दीजिए, फिर क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर प्लस सी,
याद रखेंगे, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो ये फार्मूले की आपकी मद आपको इस इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। डे एक्स, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस। देखिए इसको अगर आप ये भी लिख देना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर सर ये इसका लिख के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही है, चाहे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कहिए या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए, दोनों बातें सेम सेम है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।